हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, एक किसी एक रेसिपी के लिए हम मार्केट से पुदीना ले आते हैं और उसमें से पुदीना हमारा बच जाता है और फिक जाता है, तो क्या करें? अच्छा हो हम उसका पाउडर बना के रख लें, जब भी लगे तो हम उस पाउडर का यूज़ कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही आसान तरीके से हर मौसम में तैयार हो जाने वाली विधि से पुदीना पाउडर बनाएंगे, जो हर कोई अपने घर में बहुत आसानी से बना सकता है, जिससे उसका कलर, फ्रेग्रेंस और टेस्ट भी बरकरार रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पुदीना का एक बंच लिया है, उसको पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार। अब हम उसकी डंठल तोड़ देंगे, जो भी इसकी हार्ड डंठल होती है वो हमको तोड़ना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक तोड़ के दिखाई है आपको। ऐसे ही हमको सारे पुदीना की हार्ड डंठल तोड़ देना है और इसको अच्छे से साफ़ कर देना है। हमको अच्छी अच्छी ताज़ी पत्तियाँ लेनी है इसकी। ये देखिए, हमने सारी साफ़ कर ली हैं। अब हम इसको कपड़े में अच्छे से फैला देंगे, पंखे के नीचे इसको सुखाना है हमको। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। फ्रेंड्स, हमको इसको 2-3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ना है और 2-3 घंटे बाद हम इसको फिर से अलट पलट कर देंगे। ये देखिए, हमारी अच्छे से पानी इसका निकल गया है। अब हम इसको फिर से अलट पलट कर देंगे, जिससे कि अगर दूसरी तरफ भी इसका पानी लगा हो तो वो भी इसका अच्छे से सूख जाएगा। अब हम इसको एक रात तक ऐसे ही छोड़ना है। दूसरी रात में हम देखेंगे कि इसका कलर कैसे होता है। ये देखिए, हमारा दूसरा दिन हो गया है, इसका खूब अच्छे से पुदीना सूख गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। चलिए, मैंने यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर बैग लिया है। अब जो भी हमारा पुदीना है, अब हम इसको इसमें रख देंगे। ये देखिए, अब हमने इसको पुदीना को थैली में रख के और इसका बैग तैयार कर लिया है। अब हम इस बैग को पंखे के नीचे तार में लटका देंगे और इसको अच्छे से सूखने देंगे और एक रात तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, हमारा अब एक दिन हो गया है। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं कि हमारी पुदीना की पत्ती कैसी है। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए, हमारी पुदीना की पत्तियाँ से पूरा पानी निकल चुका है और ये हल्की हल्की मुलायम हो गई हैं। चलिए, अब हम इस थैली को फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से जो भी पत्तियों का मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और ये बहुत अच्छी क्रंची हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमको कुछ दिनों तक इसको फ्रिज में ही रखना है, जब तक कि ये बहुत अच्छे से क्रंची नहीं हो जाती हैं। ये देखिए, हमारी बहुत अच्छे से क्रंची हो गई है। मैं आपको इसको ले कर दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी क्रंची हो गई, इससे बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी क्रंची की आवाज़ आ रही है। चलिए, अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। हमको इसको थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से इसको मिक्सी में चलाना है और इसका फाइन पाउडर बनाना है। ये देखिए, मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा इसका कलर आया है, कितना अच्छा ग्रीन दिख रहा है। ये इसका कलर भी बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा कलर आया है। चलिए, मैंने यहाँ पर अभी एक स्ट्रेनर ले लिया है। अब मैं इसको पुदीना पाउडर जो हमने बनाया है, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। अगर इसमें मोटी मोटी डंठल रह जाती है बड़ी वाली, तो ये अच्छे से छन जाएगा और हमारा एक अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने छान लिया है, कितना बढ़िया इसका कलर आया है। ये देखिए कितना अच्छा फाइन पाउडर बन चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस पुदीना पाउडर को काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। चाट, रायता, जलजीरा, गोलगप्पे के पानी में पुदीना की आप चटनी बना सकते हैं, सलाद और सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इससे ज़्यादा कुछ वेस्ट नहीं हुआ है। ये देखिए, हमारा मिंट पाउडर बनकर एकदम रेडी है। इसका कलर भी कितना अच्छा ग्रीन है, फ्रेग्रेंस भी है और टेस्ट भी है इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोवेव में इसे बनाते हैं और सनलाइट में बनाते हैं तो इसका कलर डार्क हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।